इंडिया हमारा दुश्मन, इंडिया पदेशी हमारा दुश्मन, और उन्होंने इंडिया ने पहले भी हमारा शिप पकड़ लिया था, इंडिया ने फिर हमारा शिप पकड़ लिया, हमारे सामान रोक लिए इंडिया ने, इंडिया तो हमारे साथ दुश्मनी करता है, हमें आगे नहीं निकलने दे रहा। चीन का ये जहाज अगर पाकिस्तान पहुंच जाता तो अनर्थ हो जाता। चाइना से पाकिस्तान एक कंसाइनमेंट आ रही थी जो कि इंडिया ने अपने पोर्ट पे रोक ली। और असल भारत ने चीन से पाकिस्तान जा रही प्रतिबंधित रसायनों से भरी एक पूरी खेप जब्त कर ली है। ये भारत के लिए जितनी बड़ी उपलब्धि है, पाकिस्तान और चीन के लिए उतना ही बड़ा सरदर्द। कुछ ऐसे केमिकल उस कंसाइनमेंट में मौजूद थे जो इंटरनेशनली बैन है, जो ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। और वो भी इतने मतलब एक्टिव बैठे हुए थे भारत की तरफ से लोग कि उन्होंने धड़ पकड़ लिया इन लोगों को। इंडियन ओशन से जो कुछ भी गुजरेगा हम उस पर नजर रखेंगे, ये हमारी टेरिटरी है। This is a message to China and Pakistan. इस जहाज में जो सामान लदा हुआ था उसे देखकर भारतीय सुरक्षा अधिकारियों के होश उड़ गए। भारत कहता है कि उन्होंने चाइना से पाकिस्तान जाने वाला कुछ ऐसा मटेरियल है जिसे बैंड केमिकल कहा जाता है। कब ये मामलात खत्म होंगे? और वो है कि हमें दबाए जा रहे हैं और हमारे यहाँ लोग बातें कर रहे हैं मुख्तलिफ किस्म की कि हम किस तरह भारत को एक लिहाज से उनके साथ एंगेजमेंट का प्रोसेस। मतलब यह है कि इंडिया अपने आप को एज ए अब ग्रेट पावर के तौर पे, एस्पायरिंग ग्रेट पावर के तौर पे अपने फुटप्रिंट्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं। इंडिया, आपको पता है, इंडियन ओशन के अंदर बहुत एक्टिव हुआ है, ठीक है जी। और बेसिकली तो इंडिया पैगाम दे रहा है चाइना और पाकिस्तान को कि इंडियन ओशन से जो कुछ भी गुजरेगा हम उस पर नजर रखेंगे, ये हमारी टेरिटरी है। दिस इज अ मैसेज टू चाइना एंड पाकिस्तान। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या इंडियन प्रोडक्ट्स जो इंडिया इंपोर्ट करता है या एक्सपोर्ट करता है वो पाकिस्तान के करीब जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं वहां से भी गुजरता है, चाइना के करीब से भी गुजरता है? किसी शिप को पकड़ लें कहें जी कि हमें फिलहाल एग्रीमेंट के तहत हम ये महसूस करते हैं कि ये जो चीज है इसमें ये प्रॉब्लम है और हम इस एग्रीमेंट के तहत इसके हम जो है वो सिग्नेटरी हैं, हमने चेक करने के लिए रोक लिया है। लेकिन इसमें इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि इंडिया अपने आप को एज ए अब ग्रेट पावर के तौर पे, एस्पायरिंग ग्रेट पावर के तौर पे अपने फुटप्रिंट्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं। सो ये सारी चीजें की जा रही हैं। एंड देन इंडिया अमेरिका को भी ये बता रहा है कि भाईजान हम इस काबिल हैं कि इस खित्ते के अंदर जो कुछ भी होगा हम उसकी टेक केयर कर सकते हैं, हमारे पास ये कैपेसिटी है कि हम चाइना और पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकते हैं। लेकिन फॉर अ मोमेंट जिसे वो कहते हैं ना कि ये आपको देखना पड़ेगा कि ये जो चीज की गई है इसमें क्या निकलता है, क्या ये वाकई कुछ ऐसी चीज है जिससे पाकिस्तान कुछ केमिकल्स से कुछ बनाना चाहता है। पहला पॉइंट तो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ऐसी चीज हो भी तो चाइना, पाकिस्तान और चाइना जो है वो लैंड रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज चाइना से चलेगी, पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर मिलता है, वो बॉर्डर से क्रॉस करके पाकिस्तान आ जाएगा। अगर कुछ ऐसा है, कुछ प्रोहिबिटेड है, कुछ ऐसी अनलॉफुल चीज है तो वो उसे एक साइप्रस की जहाज की, साइप्रस के झंडे वाली शिप में क्यों भेजेंगे, एक सवाल है ना। जब पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो डेली कंसाइनमेंट जाती है और डेली जो कराकरम हाईवे है उसके ऊपर चीजें आती हैं तो उसको इस्तेमाल करने का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर ये डुअल यूज है तो क्या चाइना और पाकिस्तान के जो C-130 है या जो जहाज हैं क्या वो नहीं उड़ते? बिल्कुल उड़ते हैं। अगर पाकिस्तान ने कुछ ऐसा इंपोर्ट करना हो जो वाकई ही रिगार्डिंग वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन जिसकी इंडिया बात कर रहा है तो वो उसके जरिए भी इस्तेमाल कर सकता है। सो एक ऐसी वेसल को इस्तेमाल किया गया जो कहीं पे रजिस्टर्ड है, जिसका ओनर कहीं और है कहीं और, इंडिया ने कहा जी हम वेसनर अरेंजमेंट जो है उसके मेंबर हैं, हमने इसको पकड़ लिया। अब देखिए जो वेसनर अरेंजमेंट है ये एक, वो इंडिया कहता है कि जी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है जी, एज ए मेंबर स्टेट कि हम इस जो वेपन्स और जो डुअल यूज गुड्स हैं
उसके एक्सपोर्ट को रोक सकें। अगर ये केमिकल इंटरनेशनली बैन है, जैसा कि मतलब मैंने उसके इंटरनेट पे भी सर्च करने की कोशिश की, कुछ ऐसी ही खबरें सामने आई कि भाई कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनली आप उसको नहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। कमजोर गवर्नमेंट, जो कमजोर गवर्नमेंट होते हैं ना, जिस गवर्नमेंट को डर होता है कि हम अपनी आवाम को रिलीफ तो दे नहीं पा रहे, हम अपनी आवाम का खून निचोड़ रहे हैं, गरीबों के मस्कीनों के ऊपर बुरे हालात, टैक्स इतने हमने टैक्स इस किस्म के घुसा दिए, टैक्स के पता नहीं क्या क्या नाम बना दिए हैं, उस किस्म के टैक्स हमारे पर जो घुसा दिए हैं, आम बिल जो 2-3 हजार पे आना चाहिए वो 25 हजार पे बिल आता है, 30 हजार पे बिल आता है। अभी तो गैस के बिल का लोग जिक्र नहीं कर रहे भाईजन, गैस का बिल होता ही नहीं है, 500-600-700 ज्यादा नहीं होता, 10-10 हजार पे गैस के बिल आ रहे हैं। जब आप आवाम को आटा, दाल, चीनी, गैस, बिजली, किचन, एवरीथिंग, हर चीज में जब फंसा दोगे आवाम को, और वो जब वो आवाम का कानूनी हक है बाहर निकलना, इत्तेजाज करना, जब वो अपने इत्तेजाज के लिए बाहर निकलेगा, तो आप ऐसी चीजें मंगवा रहे हो, आंसू गैस, शल वगैरह, जो फिर समटाइम तो मैंने ये भी सुना था कि एक्सपायर चलाए जा रहे हैं, जो एक्सपायर शल है वो आवाम के ऊपर चलाए जा रहे हैं। तो ये बातें जो है ना, ये बड़ी अजीब, लेकिन शुएब भाई आप सुनिए बात, सुनिए आज आपने मुझे छेड़ दिया। मैं इन बच्चों का भी साथ जिक्र करना चाह रहा था ना कि ये पाकिस्तानियों के लिए क्या कितना नुकसान दिया ये सारा सिस्टम। और दूसरे नंबर पे जो इस टाइम सिचुएशन बनी है, जो मुझे नजर आ रहा है कि प्रोटेस्ट वाली सूरत हाल तो नहीं नजर आ रही, क्योंकि जो पार्टी प्रोटेस्ट करती थी उसका लीडर तो जेल में है और पार्टी काफी टूटी टूटी नजर आ रही है, तो फिर किस चीज की मतलब गवर्नमेंट को टेंशन होगी, क्या कोई कश्मीर में या क्या मतलब? वो कहते हैं कि अभी इधर तक है, हाँ, फिर इधर तक आएगा, फिर सर तक आएगा, जब सर से पार हो जाएगी ना, जब ये अवाम ने बाहर निकलना है, ये अवाम भी तो हमारी बड़ी ढीठ है ना, बाहर निकलती ही नहीं है, क्योंकि अवाम के ऊपर जुल्म हो रहा है। जब जुल्म नहीं होगा, आप जुल्म के खिलाफ खड़े नहीं होगे, तो जालिम तो आपके ऊपर जुल्म करते जाएंगे, हुक्मरान और जाबर बन जाएंगे। तो एक यूट्यूबर की मैं बात सुन रहा था कि जब तक आप जुल्म बर्दाश्त करते रहोगे, ये लोग आपके ऊपर चढ़े रहेंगे, जब आप जुल्म के लिए बाहर निकलोगे तो ये जालिम को कम से कम डर तो होगा ना कि यार मैं अवाम के साथ कर कह रहा हूँ। IMF की किस्त देनी है तो आपने देनी है भाई, मैंने क्यों देनी है? मैंने कर्जा लिया IMF से, मैंने IMF से डॉलर की भीख मांगी थी, मैंने IMF के लिए थे, अब उतारने मुझे पड़ रहे हैं, लिए आपने, उतारने मुझे पड़ रहे हैं, इसे पढ़ रहे हैं, इसे उतारने पड़े, आम तो IMF का पता भी नहीं होगा। मतलब अभी पाकिस्तान में जो बच्चा पैदा होता है ना, वो पता नहीं कितने लाख रुपए का कर्ज ही होता है वो बच्चा, सिर्फ पैदा होते ही। भाई ये कर्जे हमने नहीं लिए, ये जिन्होंने कर्जे लिए किसके ऊपर लगाए हमें वो तो दिखा दो। पाकिस्तान को डेवलप कर नहीं सके आप, पाकिस्तान दुनिया में कितना पीछे आ गया है, पाकिस्तान के पासपोर्ट की जो इज्जत हो रही है पूरी दुनिया में वो आपको नजर आ रहा है क्या हो रहा है? अगर आपने इतने कर्जे लिए थे तो हमें डेवलप करते, हमें नजर आता कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियां बहाल हैं, पाकिस्तान एक खूबसूरत कंट्री बन चुका हुआ है, पाकिस्तान में पैसा है, पाकिस्तान में बिजनेस है, पाकिस्तान में गैर मुल्की इन्वेस्टर जो पाकिस्तान में आ रहे हैं, हमें ये चीजें नजर आती। कर्जे की किस देने में भी हमें आसानी होती ना जब इन्वेस्टर इधर आए होते, लेकिन आप करें बात क्या ठीक है। आबिद भाई मुझे मैंने पहले भी आपसे सवाल किया कि अभी मौजूदा सूरत हाल में तो कोई प्रोटेस्ट वाली सिचुएशन नजर नहीं आ रही कभी, लेकिन कुछ टाइम पहले कश्मीर में प्रोटेस्ट हुआ था, उधर रिलीफ दे दिया गया, और हमें तो ये बताया जाता है कि इंडिया की नजर है, इंडिया की कश्मीर पे नजर है, क्या इसके ऊपर आप मतलब कहना चाहेंगे? देखें शुएब भाई, अब मैं बात करूंगा, पता नहीं किसी के पेट में दर्द ना हो जाए ये बात सुन के, अभी तक शुक्र करें ये सुनने में आ रही है बात कि इंडिया की हमारे कश्मीर पे नजर है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा टाइम ना आ जाए कि हमारे कश्मीर की इंडिया पे नजर चली जाए। सर